किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आपने मेरी पहली काली हल्दी की वीडियो देखी थी, काली हल्दी एक रहस्य, तो आज आपको काली हल्दी के काले रहस्य के बारे में बताना चाहता हूं। और लगभग हजारों हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझसे फ़ोन करके कमेंट किए और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर इसकी मार्केट क्या है और इसको कैसे पैदा करते हैं, इसमें फ़ायदा क्या है। तो मेरा एक वीडियो जो था पहले वो थोड़ा सा अधूरा रह गया था कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं सर से पूछ भी नहीं पाया। और सर 15 अगस्त के समय दिन भी ने वीडियो बनाई थी तो काफ़ी लोग बैठे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो वीडियो अधूरी रह गई थी। तो आज मैं आया हूँ, चौथी बार सर मिले हैं, मेरे को कई बार आना पड़ा सर के पास क्योंकि सर भी बाहर रहते हैं मैक्सिमम। तो इस फील्ड पे रिसर्च इनका चल रहा है, बहुत तेज़ी से रिसर्च कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में आपको बहुत कुछ इनसे जानने को मिलेगा। तो पहले मैं सर का परिचय कराता हूँ। सर आपका मेरे चैनल पर पहली बात तो हार्दिक स्वागत है, उसके बाद अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए सर। सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम उत्कृष्ट पांडे, हम लोग प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और यहाँ पर एक भदौना गांव है जी, वहाँ पर हम लोग अभी काली हल्दी और चंदन की खेती कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सिंह साहब का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इनके चैनल का जो यूट्यूब चैनल है एक ये माइल स्टोन साबित हो रहा है, खासकर अवध और उत्तर प्रदेश के हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में। ये हमेशा नई नई जानकारियाँ लेकर आते हैं, इनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ और आपको चौथी बार मिलना पड़ा। कोई बात नहीं सर, वो तो मान लीजिए आप नहीं थे और मेरी गलती भी थी कि अगर मैं फोन करके आता तो शायद चौथी बार नहीं आना पड़ता। तो सर अब बताएं आप काली हल्दी के बारे में, क्योंकि जो हमारा वीडियो थोड़ा सा अधूरा रहा था क्योंकि आप उस दिन बिजी थे, तो आज आप क्लियर सर हमारे किसान भाइयों को बताएं हाँ काली हल्दी का काला रहस्य क्या है। देखिए काली हल्दी जो लास्ट वीडियो हम लोग जैसा कि आपने बताया 15 अगस्त को बनाया था जी जी, तो उस वीडियो में कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे जी। उस सिलसिले में ये कहना चाहूँ, काली हल्दी एक रेयर हर्ब है जिसके अंदर बहुत सारी औषधीय गुण पाई जाती है। अभी इसको इस पर रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च चल रही है, इसका यूज भी बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। जैसे इसके अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज ये सब, और इवन ये एंटी कैंसरस भी होती है जी। और जैसा कि इसका जो ट्रेडिशनल यूज है जी जी, जो हमारे आदिवासी भाई लोग करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जंगल का पौधा है जी, तो वहाँ पर जैसे चोट लग जाती है जी और घाव हो जाता है, जब किसी को उल्टी वोमिटिंग इन सब में भी इसका यूज होता है जी, तो इसका एसेंशियल ऑयल होता है। सर जैसे आपने कैंसर के बारे में बताया तो इसके बारे में लगभग मेरे पास भी कई फोन आ चुके हैं कि फला को कैंसर है, डॉक्टर ने एडवाइस किया सर मुझे 2 किलो हल्दी चाहिए, फिर मैंने आपका नंबर दे दिया, एक्चुअल पे इस पे काम करता है तभी तो डॉक्टर ने एडवाइस किया जी। अब देखिए वैद्य जी लोग करते हैं जी, बहुत सारे लोगों का हमारे पास भी फोन आता है कि हमें ऐसी ऐसी बीमारी है, तो ऐसा क्योंकि कुछ रिसर्च पेपर है उसमें इस पे मैंने पढ़ा था कि ब्रेस्ट कैंसर में इसका यूज जो होता जी, है जी, उसमें ये बहुत कारगर साबित हो सकता जी, है जी, जी, तो ऐसा है। तो सर एक क्वेश्चन मेरे मन में ये उठा कि जैसे कि आम जीवन जो हम लोग आम जीवन में अगर इसका सदुपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं तो उस पे क्या बेनिफिट है हमको। देखिए आम जीवन में इसको रेगुलर यूज में नहीं, एज ए मेडिसिन है, अगर इसको रेगुलर इंटरवल पर लेते हैं तो इम्यूनिटी बूस्टर होती है, ये बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर होती मतलब है। मतलब डेली नहीं लेना है, डेली नहीं ले सकते जी, मतलब जी, वो भी ये होता है कि भाई आप किसी एक्सपर्ट के माध्यम, एक्सपर्ट की सलाह पर इसको आप ले सकते हैं, वैद्य हुए या आयुर्वेदिक डॉक्टर। चलिए सर अब एक तो ये हो गया, आप इसमें क्या क्या है इसमें सर, मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं या इसके मतलब जो क्या बोलते हैं केमिकल वैल्यू जो होती है इसकी, तो क्या क्या है सर। देखिए कोई भी जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है उसमें लाखों तरीके के जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से है इसमें कैम्फर जिसको कपूर बोलते हैं, कपूर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कर्क्यूमिन की परसेंटेज इसमें बहुत कम होती है, अल्फा कर्क्यूमिन और 3-4 चीजें इसमें जो है जो इसको एक महत्वपूर्ण पौधा बनाती हैं। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ
ओसी मीन, करक्यूमीन और बोर्निल एसीटेट और अल्फा अल्फा करक्यूमिन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो लेकिन मुख्य रूप से इसमें कपूर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब इसका पाउडर फॉर्म में आप देखेंगे तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, और इसको अगर आप घरों में रखें तो बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस इसका आता है। जी। तो जैसे कि मैंने देखा सर, कुछ लोग हमारे पास जो फोन किए तो उन्होंने कहा कि मेरा बाल झड़ रहा था सर, मैंने इसको जो है यूज किया, यूज किया नारियल के तेल में मिला के मैंने इसको यूज किया तो मेरा सर बाल झड़ना, तो इस पे आपका क्या विचार है, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि वो प्रैक्टिकल करके मुझे बता रहे हैं सर। देखिए, स्किन में ये तो कारगर होती है, और जो मुझे जो लगता है कि बाल वाल जो होता है, बाल के जो रोग होता है स्किन स्पेशलिस्ट ही देखता है, तो मुझे लगता है कि बाल में ये कारगर होती होगी तभी लोग कर रहे होंगे। और कर्नाटक के किसान थे, उन्होंने मुझसे ये बात कही थी, तो मैंने कहा कि मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके बारे में आपकी क्या जानकारी है, क्योंकि जिस पौधे को आप लगा रहे हैं उसकी आपको जानकारी तो है ही है। जी। तो स्किन से रिलेटेड किसी भी समस्या में ये कारगर होता है। तो चलिए सर, एक तो बात ये हुई, एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास जो इसकी मार्केट की, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? क्यों कई कमेंट्स आते हैं इसके बारे में? देखिए, मार्केट इसका ये है कि मार्केट इसका बहुत छोटा सा है जी, और ये भी जो इतने भी किसान आजकल इसकी खेती कर रहे हैं उसको मार्केट सब एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मंडी में नॉर्मल हल्दी की तरह ले जाएंगे बिक जाएगी, क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट है। हाँ। इसको औषधि कंपनियां लोग खरीदती हैं जी। और ऐसा इसको मुझे लगता है कि बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन भी इसका नहीं होता, जिस लोग कोई भी बड़ी कंपनी अगर इसका कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहेगी तो उसको मिनिमम अमाउंट में उतनी क्वांटिटी में होना चाहिए, तो उतनी क्वांटिटी में अभी उनके पास सप्लाई भी नहीं। तो सर, इस बारे में मैं औषधि कंपनियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा अपने वीडियो के थ्रू कि अगर आप जो भी काली हल्दी खरीदते हैं तो हमारे किसानों को आप आइए, सामने आइए, हमारे इस वीडियो पे कमेंट करिए, आप अपना नंबर दीजिए, हमारे किसान आपको जाके कंसल्ट करके पहुंचाएं, या एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि आप लोग वहां से लें। तो किसान भाई हमारे जो भी हैं, तो आपका कोशिश ये हो कि हमारे किसान आगे बढ़ें, ऊपर बढ़ें, तो उनको दो पैसे का फायदा हो, क्योंकि गेहूं धान से अकेला हमारा किसान जो है पीछे जा रहा है। कहना चाहूंगा जी सर, बोलिए। जैसे किसी जो भी किसान भाई हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं या काली हल्दी की खेती करना चाहते हैं जी, तो वो हम लोगों ने एक मार्सिलोन एग्रो फार्म नाम से एक कंपनी बनाई है जी, जो जिसका हम लोग गांव में ही उसको खेती बाड़ी कैसे करनी चाहिए और जैविक कृषि, आप लोगों से बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती है। सिंह साहब बहुत बड़े महारथी हैं इस क्षेत्र में, इनका बहुत बड़ा योगदान है, हम लोग जो भी कर रहे हैं सर आपसे सीखते हैं, हम सब सारे किसानों से ही सीखते हैं सर। मार्सिलोन एग्रो फार्म हम लोगों की एक कंपनी है, उसके थ्रू हम लोग इसको सेल भी करते हैं। जो भी किसान हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, मेरा नंबर 9580250135 वो डिस्प्ले पे चल रहा है सर, देख लेंगे जी, तो ये नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा, हम लोग किसानों के हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो सर, अभी किसान हमारे काफी कहते हैं कि सर हमको बीज चाहिए, बीज चाहिए, तो आप अपने पास से बीज उपलब्ध करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे? क्योंकि जैसे आपका ही मैं देख रहा हूँ कि आप काफी इसको इस बार बढ़ाना चाहते हैं, तो कितना बीज आप दे सकते हैं? अगर किसी को चाहिए तो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? देखिए, बीज मिल सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत लार्ज क्वांटिटी मांगेगा तो इस बार हम देने में नहीं, तो मैं किसान भाइयों से मैं कहूंगा भी नहीं कि आप लार्ज क्वांटिटी में ले लीजिए, क्योंकि ये बीज इसका महंगा आता है। समथिंग अबाउट सर क्या रेट होगा लंबा अभी? देखिए, इसका रेट जो है भाई साहब 500 रुपए से 2000 रुपए कुछ भी करते हैं, लेकिन हम लोग मिनिमम रेट रखेंगे किसानों के लिए जी, 500 to 600 के बीच ही रहेगा ऐसा। जी। और बस ये है कि अगर जैसे कुछ किसान मांगते हैं 1 kg लेना है तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, पैकिंग वगैरह, हाँ, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मतलब 2 kg से ऊपर चाहिए, 10 kg तक आप भेज सकते हैं किसी को भी। आप बात कर लें, हम लोग सब कुछ जो भी सहायता होगी, जितना भी चाहिए होगा क्वांटिटी में, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। जी। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा कि आपको हल्दी में क्या है और इसकी सच्चाई क्या है, खेती कैसे करना है, तो खेती करने के लिए जब आप इसका बीज ले लेंगे तो इसकी वीडियो मैं स्पेशल सर के पास आकर के फिर से बनाऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है। अगर आपको खेती की जानकारी चाहिए कि इसकी खेती कैसे की जाती है, तो आप कमेंट में जरूर इसको कमेंट करिएगा आकर के कमेंट बॉक्स में। और किसान भाइयों, अगर आप नए आए हैं, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं सर, आप मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे अभिवादन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें वीडियो, क्योंकि हमारे किसान भाई जो भी हैं, मेरा एक सपना है कि मैं अपने
मेरे किसान भाइयों के मरने से पहले तक उनको ये सोचता हूँ कि वो फ्री में खेती कैसे करते हैं वो सीखें। मैं उसी पे आगे बढ़ रहा हूँ और आगे आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। और अब विदा लेता हूँ आपको, क्योंकि एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तो नमस्कार, जय जवान जय किसान।